नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछवाड़। हमारा देश भारत विविधताओं और चमत्कारों का देश है। भारत में कई ऐसी किस्से कहानियां आपने सुनी होंगी जिन्हें सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। इसी तरह से भारत के हर हिस्से में मंदिर मौजूद है और मंदिर में देवी देवताओं की पूजा होती है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, जानवरों की पूजा होती है और यहाँ तक कि आपने राक्षसों की पूजा का चलन भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बुलेट बाइक की पूजा हो रही है? हैरान मत होइए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस शहर में है बुलेट बाइक का मंदिर। मंदिर में होती है बुलेट बाइक की पूजा। बाइक करती है हर मुराद पूरी। बुलेट बाबा मंदिर की कहानी हैरान करने वाली। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपने इतिहास, किले, मंदिर, खान पान और किस्से कहानियों के लिए मशहूर है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको कोई ना कोई प्राचीन मंदिर मिल ही जाएगा। इन मंदिरों की अपनी अलग पहचान और मान्यताएं होती हैं, जहां लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मोटरसाइकिल का मंदिर सुना है? जी हाँ, हैरान मत होइए, ये सच है। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति की जगह रॉयल एनफील्ड बुलेट रखी है और लोग दूर दूर से यहां बाइक की पूजा करने आते हैं। यहां पूरे देश से बाइक राइडर और अन्य लोग आकर सुख समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं। इस मंदिर का नाम है ओम बन्ना धाम उर्फ बुलेट बाबा मंदिर। ओम बन्ना धाम उर्फ बुलेट बाबा मंदिर। बुलेट बाबा मंदिर NH-62 जोधपुर पाली एक्सप्रेस पर बना है। ये जोधपुर से लगभग 50 किलोमीटर और पाली से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बाइक की पूजा होने वाला ये मंदिर ओम बन्ना को समर्पित है। राजस्थान में राजपूत नवयुवकों को बन्ना कहा जाता है। ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ था। वह पाली शहर के पास स्थित चोटीला गाँव के ठाकुर जोग सिंह राठौड़ के पुत्र थे। क्यों होती है बुलेट बाइक की पूजा? बताया जाता है कि लगभग 30 साल पहले 1988 में ओम बन्ना एक शाम अपनी बुलेट 350 पर बागड़ी से चोटीला गांव लौट रहे थे। पाली के पास अचानक ओम बन्ना को लगा कि सड़क पर कोई है। बचने के लिए उन्होंने जैसी अपनी बाइक घुमाई, बाइक सड़क पर आ रहे ट्रक से भिड़कर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि ओम बन्ना की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ओम बन्ना के एक्सीडेंट के बाद पुलिस उनका शव और बाइक थाने ले गई, लेकिन बाइक रहस्यमय ढंग से पुलिस थाने से गायब हो गई और दुर्घटना वाली जगह पर मिली। उसके बाद पुलिस बाइक को फिर से थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह फिर बाइक थाने से गायब हो गई और उसी घटनास्थल पर पहुंच गई। दूसरी बार ऐसा होने पर पुलिस को शक हुआ तो बाइक को फिर थाने में लाकर जंजीरों से बांध दिया गया और फ्यूल टैंक को खाली कर दिया गया। इस बार बाइक की निगरानी की गई तब पुलिस वालों ने देखा कि जंजीरों में बंधी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हुई और जंजीरें तोड़ती हुई घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने सोचा कि बाइक को घर पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन घर से भी बाइक वहीं घटनास्थल पर पहुंच गई। फिर ऐसे हुआ मंदिर का निर्माण। ये रहस्यमय घटना जंगल की आग के जैसे आसपास के गांवों में फैल गई। बाइक का बार बार घटनास्थल पर पहुंच जाना देखकर ओम बन्ना के पिताजी ने इसे ओम बन्ना की इच्छा माना और बाइक को वहीं चबूतरा बनाकर खड़ा कर दिया गया। गांव वालों ने बुलेट बाइक की पूजा शुरू कर दी। फिर यहां मंदिर का निर्माण कर दिया गया और इसे बुलेट बाबा मंदिर उर्फ ओम बन्ना धाम नाम दिया गया। इस रास्ते से गुजरने वाले यात्री आते जाते समय ओम बन्ना के मंदिर में कुशल यात्रा की प्रार्थना करके ही आगे बढ़ते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप पाली जोधपुर हाईवे से गुजर रहे हैं तो बुलेट बाबा मंदिर में जरूर जाना चाहिए, इससे आप यात्रा के दौरान सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान टीवी, चंडीगढ़। आपने कई ऐसी किस्से कहानियां सुनी होंगी जो सिर्फ भारत में ही हो सकती हैं। कई कहानियां आपको चौंका देंगी, कहीं आपको हंसाएंगी तो कई कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी राजस्थान।